हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मई के क्विज का सलूशन देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द इक्वेशन इक्वेशन है रियल रूट्स इज इंटरवल तो सबसे पहले अगर आपको पता है कि जो क्यूबिक रूट्स इक्वेशन है उसके कितने रूट्स होते हैं रूट्स होते हैं क्लियर तो जो मेरा कर्व है वो इस तरह से बनेगा जो कर्व की मैक्सिमम जो इस फंक्शन का जो मैक्सिमम होगा वो ये है पॉजिटिव होगा और मिनिमम क्या होगा नेगेटिव तो मैक्सिमम ऑफ दिस फंक्शन इज पॉजिटिव एंड मिनिमम ऑफ दिस फंक्शन इज नेगेटिव क्यों क्योंकि कर्व के क्यूबिक uh, की दी है और उसके कितने रूट्स हो गए थ्री रूट्स हो गए क्लियर है तो क्वेश्चन करने के लिए अगर मैक्सिमा और मिनिमम चाहिए आपको तो सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है ये वाला इसको क्या करना पड़ेगा डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा अगर इसको एफ ऑफ एक्स लेते हैं तो क्या हो जाएगा ये थ्री एक्स स्क् माइनस नाइन एटीन एक्स ठीक है एटीन एक्स प्लस ट्वेंटी फोर इक्वल टू जीरो के कांस्टेंट है डिफरेंशिएशन जीरो होगी तो क्या हो जाएगा ये तो अगर आप इससे कॉमन लेके आएंगे थ्री तो एक्स स्क्र माइनस सिक्स एक्स प्लस एट इक्वल टू जीरो तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्र माइनस सिक्स एक्स प्लस एट इक्वल टू जीरो आपको पता है आप स्प्लिटिंग करनी है सिक्स चाहिए और एट चाहिए मल्टीप्लाई करके प्लस या माइनस करके सिक्स चाहिए तो इट मीन्स ये आगे आपका ऐसा एक्स माइनस फोर एंड एक एक्स माइनस टू क्लियर अब देखिए कहा बनेगा x माइनस फोर यहाँ टू है और यहां x माइनस फोर एंड x माइनस टू मतलब x इज इक्वल टू टू एंड x इज इक्वल टू फोर तो अगर आप वैल्यूज पुट करेंगे तो इस तरफ सारी क्या यहाँ क्या आएगा पॉजिटिव यहाँ क्या आएगा नेगेटिव इस तरफ से क्या आएगा पॉजिटिव क्लियर तो जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू है टू है और जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या है फोर है एंड वी नो दैट फॉर मैक्सिमम मैक्सिमम क्या है मेरा पॉजिटिव और मिनिमम क्या है नेगेटिव तो हम जानते हैं मैक्सिमम के लिए क्या होता है एफ ऑफ एक्स ग्रेटर कितना है मेरा फैला टू है एक्स की जगह टू डाल दीजिए तो ये हो जाएगा दो का क्यूब आर्ट गिवन इक्वेशन में ठीक है जो गिवन दिया है माइनस टू का स्के सिक्स four, और नेक्स्ट ट्वेंटी फोर इंटू टू फोर्टी एट माइनस के ग्रेटर देन जीरो सॉल्व करेंगे तो ये ट्वेंटी आ जाएगा ट्वेंटी माइनस के ग्रेटर देन जीरो दैट मीन्स के लेस देन ट्वेंटी पहला आ गया आपका अब डालिए एफ एफ ऑफ एक्स लेस देन जीरो वो क्या है आपका फोर है तो फोर में फोर की वैल्यू गिवन इक्वेशन में डालिए फोर का क्यूब सिक्सटी फोर टू का स्केयर यहाँ पे डाल रही ठीक है टू का स्केयर फोर का स्केयर सिक्सटीन सिक्सटी नाइनजा वन फोर्टी फोर प्लस फोर इंटू ट्वेंटी फोर नाइंटी सिक्स माइनस के लेस देन जीरो तो आ, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ये आपका सॉल्व करके ये और ये ऐड कर दीजिए ये वन फोर्टी फोर प्लस वन सिक्सटी माइनस के लेस देन जीरो तो आप सॉल्व करके देखिए सिक्सटीन माइनस के लेस देन जीरो आ रहा है दैट मींस सिक्सटीन लेस देन के फाइनल जो के की वैल्यू होगी वो आपकी कहां से 16 से और 16 और 20 बीस के बीच होगी तो क्या इंटरवल है सिक्सटीन एंड ट्वेंटी क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ सर्टेन टाउन 25 फाइव परसेंट फैमिली ओन अ फोन ये मैंने फोन मान ली फोन वाला पोर्शन मान लिया और ये 15 परसेंट फैमिली वोन अ कार 65 फाइव परसेंट फैमिली वोन नीदर फोन नॉर कार तो मतलब ये जो इस ए यूनियन बी को छोड़ के जो बचा ये सिक्सटी फाइव परसेंट है नेक्स्ट टू थाउजेंड फैमिली वोन बोथ कार एंड फोन ये वाला पोर्शन ठीक है बोथ वाला कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट तो पहले हम निकालते हैं कैसे निकालेंगे लेट द नंबर ऑफ फैमिलीज इन द टाउन बी एक्स एक्स ले लेते हैं तो आपका जो पहला फोन को मैंने ए लिया है तो नंबर ऑफ ए क्या हो जाएगा 25% फाइव परसेंट ऑफ एक्स तो 25% फाइव परसेंट ऑफ एक्स कर दीजिए कितना हुआ एक्स बाय फोर नेक्स्ट कार वाला 15% परसेंट तो फिफ्टीन परसेंट का कितना हो जाएगा फिफ्टीन परसेंट ऑफ एक्स थ्री एक्स बाय ट्वेंटी क्लियर और क्वेश्चन में दिया है कि 65% फाइव परसेंट फैमिली वो नीदर अ फोन नीदर अ फोन नॉर अ कार ये दिया है ये कितना 65% फाइव परसेंट ऑफ एक्स हो जाएगा तो वो कितना हो जाएगा थर्टीन एक्स बाय ट्वेंटी क्लियर अब देखिए जो ये वाला पोर्शन है ये नीदर 65% फाइव परसेंट ऑफ फैमिली सिक्सटी फाइव परसेंट फैमिली वोन नीदर आ ये वाला पोर्शन ठीक है ए यूनियन बी को छोड़ के नीदर सिक्सटी फाइव परसेंट वोन फैमिली नीदर फोन अनौरा कार ये वाला पोर्शन है वो ठीक है तो दैट मीन्स ये पूरा जो मैंने माना है वो एक्स माना है कौन सा ये जो पूरा जो फिगर है वो एक्स माना है उसमें से अगर ए यूनियन बी वाला जो अनशेडेड ये वाला पोर्शन है मिला के कौन सा वाला ए यूनियन बी पूरा इससे माइनस करेंगे एक्स को तो यही पोर्शन आ जाता है बाहर वाला क्लियर तो मतलब मैं क्या लिख सकती हूँ इसको x माइनस ए यूनियन नंबर ऑफ एलिमेंट्स या ए यूनियन बी ये लिख सकती हूँ क्लियर इस चीज को तो ये हो जाएगा थर्टीन एक्स बाय ट्वेंटी और थर्टीन इस तरफ लाइए तो नंबर ऑफ एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू सेवन हो जाएगा ये सेवन एक्स बाय ट्वेंटी क्लियर एक्स थर्टीन एक्स बाय ट्वेंटी एक्स के साथ ले आइए क्लियर है अब हमारा जो फॉर्मूला होता है फॉर्मूला सबको पता ही होगा क्या होता है फार्मूला एन ऑफ ए यूनियन बी एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो मेरे पास सब कुछ आया हुआ है ये सेवन एक्स बाय ट्वेंटी है ये एक्स बाय फोर है और ये थ्री एक्स बाय ट्वेंटी है और ए इंटरसेक्शन बी क्या दिया है क्वेश्चन में दिया है कि 2000 थाउजेंड फैमिलीज वोन वोथ कार एंड फोन तो ये वाला पोर्शन ठीक है ये 2000 है यहां लिख लेती हो एरो लगाया था कितना है ये 2000 तो फिर कितना हो जाएगा ये 2000 अब अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 7x एक्स बाय ट्वेंटी माइनस एक्स बाय फोर माइनस थ्री एक्स बाय ट्वेंटी इज इक्वल टू सॉरी माइनस हाँ चलिए ठीक है माइनस टू थाउजेंड ऐसे ही बचेगा तो फाइव से मल्टीप्लाई कर दो ट्वेंटी बना दो दैट मीन्स ये कितना आ गया ये आपका आ गया सेवन एक्स माइनस फाइव एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस एक्स ओवर ट्वेंटी और यहाँ भी माइनस था तो दैट मीन्स जो मैंने आई एक्स माना था वो फोर्टी थाउजेंड आ गया नंबर ऑफ फैमिली जो आपकी आ गई फोर्टी थाउजेंड अब मेरा फर्स्ट दिया है थर्टी फाइव परसेंट ऑफ फैमिली ओन एट लीस्ट वन ऑफ कार और अ फोन तो ये क्या होता है एटलीस्ट वाला ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ए यूनियन बी जो कि मेरे पास पहले से ही है सेवन एक्स बाय ट्वेंटी ऐसा है तो x की वैल्यू अगर आप यहां डाल देते हैं x की वैल्यू डालेंगे तो कितना आ जाएगा फोर्टी ऐसे डाल दीजिए तो ये आ रहा है आपका फोर्टीन थाउजेंड और जो कि 35% परसेंट ही होता है आप 35% परसेंट करके देख लीजिए वो भी 35% परसेंट ऑफ एक्स करके देख लीजिए वो भी 14,000 थाउजेंट ही होगा तो पहला जो ऑप्शन है आपका वो ट्रू है और सेकेंड जो है फोर्टी थाउजेंड फैमिलीज लिव इन अ टाउन वो तो मैं पहले ही निकाल चुकी हूं क्लियर दैट मीन्स क्या आंसर होगा आपका बोथ एस एंड एस आर ट्रू नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिए आपका इंटीग्रेशन करनी है आपको और आई किसके इक्वल है ये आई के इक्वल दिया है क्वेश्चन तो इसमें सब्सटीट्यूशन करूंगी मैं पुट साइन थीटा इक्वल टू टी तो क्या हो जाएगा थीटा डी थीटा क्या हो जाएगा आपका डी टी डालिए आप गिवन इक्वेशन में आई इज इक्वल टू टू टी माइनस वन और डी थीटा डी टी ओवर फाइव यहां भी मैं क्या कर दूंगी वन माइनस के थीटा कितना होता है वन माइनस साइन स्केयर थीटा जो कि मेरा साइन स्केयर कितना है साइन थीटा कितना है टी स्केयर ठीक है साइन थीटा टी है तो स्केयर टी स्केयर हो गया माइनस फोर साइन थीटा साइन थीटा कितना है आपका टी है क्लियर अब देखिए अब क्या करना है थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते इसको कि हो जाएगा टू टी माइनस वन डी टी इंटीग्रेशन है साथ में फाइव माइनस वन फोर ठीक है और ये हो गया आपका माइनस माइनस प्लस ये हो गया टी स्केयर और साथ में फोर टी तो फाइनल जो आपका हो गया ये फॉर्मूला बन रहा है ए माइनस बी का होल स्केयर तो ये हो गया टू टी माइनस वन डी टी टी माइनस टू का होल स्केयर तो आई थिंक आपको अब याद है ये कैसा बन रहा है पार्शियल फ्रैक्शन ठीक है तो आपको अब क्या करना है यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन जो क्या होता है वो कैसे हो जाएगा ये ये हो जाएगा आपका ए टी माइनस टू और बी इंटीग्रेट करके टी माइनस टू का होल स्क्र तो मुझे सबसे पहले ए एंड बी की वैल्यू पता करनी है तो यहाँ निकाल देते हैं हम ए एंड बी की वैल्यू और फर्स्ट इक्वेशन ये फर्स्ट इक्वेशन है इसमें डाल देंगे ये कैसे करेंगे टू टी माइनस वन इज इक्वल टू ए टी माइनस टू प्लस बी मतलब मैंने इसका एलसीएम कर लिया इस इक्वेशन और इस इक्वेशन का देखिए ठीक है तो अब हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर दो अंदर टू टी माइनस वन इज इक्वल टू ए टी माइनस टू ए प्लस बी तो मैं कफिशियंट कंपेयर करती हूं पहले कफिशियंट ऑफ टी तो कफिशियंट ऑफ t ये देखिए कंपेयर कीजिए तो मतलब a कितना आ गया आपका टू नेक्स्ट फिशेंट ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म कॉन्स्टेंट टर्म क्या है ये माइनस टू ए प्लस बी इक्वल टू माइनस वन ये कर दिया और यहां वैल्यू पुट कीजिए ए की तो ये फाइनल जो आपका हो गया बी इज इक्वल टू थ्री तो पुट कीजिए आप ए की वैल्यू और बी की वैल्यू यहां पे तो ये क्या हो जाएगा आपका टू टी टू कॉमन ले लेती हूं मैं ठीक है टू ए की जगह ये डी टी था साथ में यहां भी डी टी था टी माइनस टू और बी की जगह थ्री यहां भी डी और टी माइनस टू का होल स्क्वेयर दैट मीन्स वन बाय टी लॉग टी होता है तो लॉग टी टी आपका टू टी माइनस टू है क्लियर और नेक्स्ट आपका ये कितना हो जाएगा प्लस थ्री अच्छा सबसे पहले वन बाय एक्स स्क्वेयर की इंटीग्रेशन देखिए वन बाय एक्स स्क्वेयर की इंटीग्रेशन क्या हो जाती है एक्स माइनस ऊपर लेकर आएगी तो माइनस टू प्लस वन माइनस टू प्लस वन दैट मीन्स माइनस ऑफ माइनस वन पावर में ठीक है माइनस वन बाय एक्स तो ये भी वैसा ही ये कुछ तो यहां बाहर क्या लिख दूंगी मैं माइनस वन ओवर एक्स की जगह क्या माई टी माइनस टू का ठीक है टी माइनस टू प्लस सी क्लियर है तो दैट मीन्स लास्ट अब टी की वैल्यू भी वापस करनी है और लॉग यहाँ पे क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए तो लास्ट वेल्यू जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा टू लॉग टू आगे पीछे लिख हैं तो इसको टी था साइन थीटा माइनस थ्री ओवर तो ऐसा कोई ऑप्शन है टू माइनस साइन थीटा ये वाला ऑप्शन है ठीक है और इसको भी आप अगर आगे पीछे लिखेंगे तो यहाँ साइन चेंज हो जाएगा क्या हो जाएगा प्लस टू माइनस साइन थीटा प्लस सी थी, आपका फाइनल आंसर तो ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन है बोले एक्सप्रेशन दिया है आपके पास ये आपको क्या करना है इसमें ये मैंने टेबल बना दिया है ताकि टाइम कम लगे तो बाकी आपको पता ही होगा आ, पी को लिख लेते हैं ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स क्यों क्या क्या हो जाएगा या तो ट्रू ट्रू, ट्रू या फिर फॉल्स ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स या फॉल्स फॉल्स ऐसे अब देखिए और मतलब या एक फॉल्स या एक ट्रू होगा तो भी ये क्या हो जाएगा ट्रू ट्रू है दोनों ट्रू है तो ट्रू एक फॉल्स है एक ट्रू तो भी क्या होता है ट्रू एक फॉल्स एक ट्रू तो भी ट्रू होता है फॉल्स फॉल्स क्या हो जाता है फॉल्स ठीक है दोनों फॉल्स है क्योंकि नगेशन क्या हो जाएगा बस इसका नगेशन मतलब इसका उल्टा तो ये ट्रू है तो ये वाला ठीक है ये ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा फॉल्स है तो ट्रू uh, है तो फॉल्स ट्रू है तो फॉल्स फॉल्स है तो ट्रू अब मुझे नगेशन पी करना है तो नगेशन पी यहां करिए फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू क्लियर अब नगेशन पी और एंड एंड है ये नगेशन पी एंड क्यू तो नगेशन पी आपका ये वाला है क्यू आपका ये वाला है इसमें क्या होता है इसमें आपका अगर दोनों एक आपका फॉल्स है तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा एक ट्रू एक फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू 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 इसमें दोनों होने चाहिए या तो ट्रू ट्रू या फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू होगा तो ट्रू फॉल्स फॉल्स होगा तो फॉल्स 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 और ट्रू फॉल्स तो भी क्या हो जाएगा ये फॉल्स हो जाएगा क्लियर तो जो फाइनल है अब ये दिया हुआ है फाइनल अब मिला के करना है कौन से वाला एक नगेशन ये वाला और एक दिस इनका क्या करना है और करना है तो फॉल्स 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 ट्रू फॉल्स एक होना चाहिए तो ट्रू हो जाएगा फॉल्स 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 और लास्ट ट्रू फॉल्स क्या हो जाएगा ट्रू क्लियर है फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू ये किसके इक्वल है ऑप्शन में देखिए तो ये आपका फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू किसके इक्वल है नगेशन पी के इक्वल है क्लियर है नेक्स्ट है आपका Let X be the random variable which takes the values k with the probability k p such that k आपका ये है and p belongs to 0 to 1 find the standard deviation सबसे पहले ये ले लेते एक x होता है एक p of x होता है clear जिसमें आपका दिया है one two three four p of x मतलब k p जो आपका है तो वो क्या हो जाएगा हो जाएगा वन इंटू के आपका अगर वन है तो वन इंटू पी टू है तो टू इंटू पी थ्री है तो थ्री इंटू पी फोर है तो फोर इंटू पी क्लियर है तो अब मुझे क्या क्या निकालना है स्टैंडर्ड एविशन के लिए जरूरत जो है एक तो समीशन पी एक्स तो पी एक्स का समीशन कर दो वन पी टू पी थ्री पी फोर पी कितना हो जाएगा सेवन नाइन और टेन हो गया टेन पी जिसमें से आपकी टेन पी और आपको पता है समीशन पी ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है वन के इक्वल होता है तो पी की वैल्यू कितनी आ गई वन बाय टेन क्लियर नेक्स्ट आपके लिए नेक्स्ट में मीन निकाल देते हैं मीन क्या होगा समीशन एक्स मल्टीप्लाई पी एक्स एक्स मल्टीप्लाई पी एक्स करिए एक्स को पी एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देती वन पी P, 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 तो हो जाएगा टू इंटू टू पी फोर पी थ्री इंटू थ्री पी नाइन पी फोर इंटू फोर पी सिक्सटीन पी क्लियर तो ये हो गया आपका तेरह चौदह और ट्वेंटी थर्टी ये हो गया आपका थर्टी पी अब स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है समीशन एक्स स्क् पी एक्स माइनस मीन का स्क्वेयर ये होता है आपका स्टैंडर्ड एविशन का फॉर्मूला तो एक्स स्क्स यहाँ पे समीशन एक्स स्क्स ले आते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स का स्क्र कर दो वन का स्क्यर वन और साथ में वन इंटू कर दो वन पी से तो वन पी प्लस टू का स्केयर टू 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 सा फोर फोर पी हो गया नेक्स्ट थ्री का स्क्वेयर नाइन नाइन इंटू थ्री ट्वेंटी सेवन एंड नेक्स्ट फोर का स्केयर सिक्सटीन सिक्सटीन इन फोर पी सिक्सटी फोर होगा तो अगर ये एड कर लेते हैं ये पूरा का पूरा हंड्रेड पी आ रहा है तो जो आपको यहाँ पुट करना है हंड्रेड पी माइनस मीन कितना था थर्टी पी का होल स्केयर तो वो पी की वैल्यू डाल दीजिए वन बाय टेन माइनस थर्टी बाय टेन तो फाइनल क्या आ जाएगा आपका टेन माइनस तो फाइनल आंसर इज वन तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए दिस आज के लिए इतना ही आई होप लेक्चर पसंद आ गया हो और डेली क्विज अटेम्प्ट कीजिए जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू वेरी मच